अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक मास्टर रिफ्यूज यूट्यूब चैनल। क्या हाल है दोस्तों आप सबका? आज की जो वीडियो है वो वॉच टाइम से रिलेटेड है कि आप अपने चैनल का वॉच टाइम कैसे खुद कंप्लीट कर सकते हैं। 4000 घंटे आप कैसे कर सकते हैं, तो उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊँगा। तो आपने क्लोन ब्राउज़र यूज़ करने हैं, जितने भी आपके ब्राउज़र्स आप चला सकते हैं अपने लैपटॉप पे। अगर आप डेली के ऑन एवरेज 10 घंटे अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं और आप उस पर 10 ब्राउज़र्स पे अपने वीडियोज़ चलाते हैं, तो आपको 100 घंटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जितने ज़्यादा ब्राउज़र्स आप यूज़ कर सकते हैं तो उतने ज़्यादा आपके आपका वॉच टाइम आता जाएगा। अगर आप 20 ब्राउज़र चलाएंगे तो आपका 10 घंटे, तो आपके 200 घंटे आ जाएंगे एक दिन में। तो सबसे पहले आपने क्लोन बनाने कैसे हैं, तो ये ब्राउज़र एक मैंने ओपन किया है, इसको मैंने छोटा कर लिया। तो यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, नीचे आप जाएंगे तो ये प्लस और ऐड साथ लिखा होगा, इस पर आपने सिर्फ क्लिक करना है तो नया ब्राउज़र आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके जो है यहाँ से आपने इसको साइन इन नहीं करना है, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे इसको कोई भी आप नाम दे दें, ठीक है, नाम दे के आप इसको डन कर दें। ये ब्राउज़र आपका क्रिएट हो चुका है, तो इसको आप यहाँ पे रख लें। इसी तरह आप ब्राउज़र यहाँ से क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। प्लस पे जाके तो आप डिफरेंट ब्राउज़र्स क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह जो बाकी ब्राउज़र्स हैं जितने भी, सब में इस तरह क्लोन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 2-3 ब्राउज़र्स को यूटिलाइज़ करें और उनके क्लोन्स यूज़ करें। इस तरह 5 क्लोन मैंने क्रोम के बनाए हैं, 5 एज के बना लूँगा, 5 फायरफॉक्स के बना लूँगा। तो इस तरह आपने करना है। फिर इन पर आपने अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट है, आपने एक प्लेलिस्ट बना लेनी है अपनी वीडियोज़ की, ठीक है। तो उसमें आपने सारी वीडियोज़ अपनी नहीं डालनी, कुछ आप किसी अपने दोस्त के डाल लें, तो वो आपने इन पे चलानी है, ठीक है। एक ब्राउज़र पे मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मेरा था ये, अब इस पे ये मैंने साइन इन की हुई है। तो मैं सपोज़ किसी चैनल पे जाता हूँ और अब इसकी इस पे अगर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, अब ये मेरी एक 90 मिनट्स की मैंने प्लेलिस्ट इस चैनल पे बनाई हुई है। इसको यहाँ से इसका लिंक मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आप इसको Ctrl V कर दें, पेस्ट कर दें, तो ये आपकी जो प्लेलिस्ट है इस ब्राउज़र पे प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट प्ले हो चुकी है, ये देखें यहाँ पे इसमें 18 वीडियोस आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अब ये मेरा कंटेंट 90 मिनट्स का है, ठीक है, 1.5 घंटे का। तो मैंने इसको 10 घंटे तक कैसे लेके जाना है, ये सेटिंग पे जाएंगे आप। यहाँ पे प्लेबैक स्पीड जो इसकी नॉर्मल है तो हमने सबसे कम रखनी है 0.25, 0.25 पे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसकी क्वालिटी आप बिल्कुल कम कर दें 144p पे, यहाँ पे इस पर आप प्ले करें इसको। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका कंटेंट 10 घंटे का नहीं है, अगर सपोज़ आप रात को वीडियो चला के छोड़ रहे हैं, तो आपने 20 क्लोन्स पे चला रहे हैं, तो आप इस तरह कर लें। यहाँ पे ये एक लूप प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, ये प्लेलिस्ट चलेगी तो दोबारा लूप पे लग जाएगी, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप वीडियोज़ इतनी कर दें कि आपके 10 घंटे चल जाए। तो शफल प्लेलिस्ट इस पर कर दें क्लिक, ठीक है। आपकी सारी वीडियोस मतलब एक सीक्वेंस में नहीं चलेंगी, कुछ स्टार्ट की चलेगी, कुछ सेंटर से, तो इस तरह ये कंप्लीट होगी। तो ये आपने इस तरह सेटअप कर लेने अपने सारे ब्राउज़र्स पे। अगर आपने 10 चलाने हैं, 15 चलाने हैं, जितना आपका इंटरनेट की स्पीड है तो उस हिसाब से आप चलाएंगे। तो ये अगर आप 10 चलाते हैं एक दिन में, ठीक है, 10 घंटे, अगर वो 10 ब्राउज़र 10 घंटे चलेंगे तो आपको 100 घंटा वॉच टाइम मिलेगा। तो इसी तरह जितने ज़्यादा आप ब्राउज़र चला सकते हैं, आपके पास लैपटॉप दो हैं या PC भी है तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप अभी दिन अभी एक अपना वॉच टाइम खुद कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि आपने ये क्लोन दोबारा यूटिलाइज़ नहीं करना, ठीक है। इसको एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सॉरी ये सेटिंग है, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ से उसको आपने रिमूव कर देना है।
ये क्लिक किया तो ये डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो ये सिंपली आपने डिलीट पे क्लिक करना, तो ये चैनल आपका डिलीट हो जाएगा, ये सॉरी ब्राउज़र पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। मैंने इतने ज़्यादा बनाए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह आपने अगर 10 बनाए थे, 10 के 10 आपने डिलीट कर देने हैं, दोबारा यूटिलाइज नहीं करने, फिर से आपने नए बनाने हैं। तो नए कैसे बनेंगे, यहाँ पे भी ये देखें प्लस लिखा हुआ आ रहा है, ऐड प्लस, इस पे जाके आप फिर से नया बना लें, उसको फिर से कोई नाम दे दें, और इनके जो है शॉर्टकट्स ये आपके डेस्कटॉप पे भी सेव हो जाती हैं। तो यहाँ से आपने प्रोफाइल पे क्लिक करके नए बनाते जाना है, इसी तरह आप एज के भी बना लेंगे, ठीक है। ये हम एज का ब्राउज़र ओपन करेंगे, तो सेम ही प्रोसीजर एज के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।